हेलो। वाह जी वाह, बहुत चलाकी से तुमने मेरा बेवकूफ बनाया यशिका। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जीने का एक और मौका देता हूं। ये जरूर जनेल की कोई चाल है। आखिर उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अब भी उसकी मदद करूंगी? मुझे पता है तुम किसी को नहीं मारोगी, किसी का खून नहीं करोगे, क्योंकि तुम खून ही नहीं हो। लेकिन हाँ, तुम लालची जरूर हो। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है। देखिए, मैं अब तुम पे विश्वास नहीं कर सकती। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। वो कोशिश मैं दोबारा भी कर सकता हूँ यशिका। तुझे अगर मैं मारने पे आऊँ ना, तो ना तो तू रोक पाएगी ना कोई और। देख ले, आएगी तो तेरा ही फायदा है, और नहीं आएगी तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो हीर और जीत दिखा करूंगा। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये क्या प्लानिंग कर रहा है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है, जगह तुम डिसाइड करो मिलने के। कहां मिलना है बताओ। किसी ऐसी जगह बुलाती हूँ जहां भीड़ हो। ठीक है, गुरुद्वारे में मिलते हैं। ओके, आता हूं। आने तो इस हीर को, आने के बाद वो घर वापस लौट कर नहीं जा पाएगी, और दुनिया इसी की बनाई हुई नकली हीर को असली समझेगी, क्योंकि असली हीर तो जिंदा ही नहीं बचेगी। जीते, मैं जनेल से मिलने जा रही हूँ। तू यही रोक और देख कि कोई मेरा पीछा करता है या नहीं। क्या हुआ, तरस आ रहा है ननद पे? नहीं नहीं, तुझे कैनेडा जाना है ना गुरमीत, मैं तुझे कैनेडा ले जाऊंगी। अब तू पैसे का भी इंतजाम करेगी? कहां से लाएगी पैसे? मुझे अपने परिवार वालों से मदद लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। देखो, मैंने तुम्हारा अभी तक साथ दिया है। तुमने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। लेकिन तुमने मुझसे जो वादा किया है वो पूरा करोगे ना? बिल्कुल, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को कनाडा भेज दूंगा, वहां की सिटीजनशिप भी दिलवा दूंगा, और इतना पैसा दूंगा कि तुम दोनों की बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे इस हीर से निपटना है।